बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मर्दाना कमजोरी को मुकम्मल तौर पे खत्म करने के लिए एक जबरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ। ये नुस्खा न सिर्फ मर्दाना कमजोरी को खत्म करेगा, बल्कि इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला जिन लोगों के औलाद नहीं है वो भी साहिब औलाद हो जाएंगे। ये हर तरह की वीकनेस को, जनरल वीकनेस जिसे कहते हैं, उसको ये नुस्खा जो है हील करेगा, यानी तमाम तर कमजोरी को ये हील कर देगा और जिस्म को तरोताजा और तवाना बनाएगा। फटीग, स्ट्रेस, जहन का जल्दी थक जाना, आसाबी कमजोरी हो जाना, नजरों का कमजोर होना, जिस्मानी कुवत में कमी आ जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, डिप्रेशन बढ़ जाना, इन सब चीजों को ये नुस्खा जो है हील करेगा। यानी तमाम तर कमजोरियों का ये नुस्खा इलाज है, ये एक बेहतरीन नुस्खा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नुस्खे में या इस प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स या कौन कौन सी मेडिसिन हम लेंगे और किस तरह लेंगे तो ये नुस्खा या ये प्रिस्क्रिप्शन कारामद होगी। दोस्तों, इस नुस्खे में या इस प्रिस्क्रिप्शन में सर्विक जी का लेना है हमें। सर्विक जी को लेंगे, ये एबिट वाले बनाते हैं सर्विक जी। इसकी एक टेबलेट रात को सोते वक्त लेनी है आपने, और दूसरी टेबलेट इसमें मल्टी बायोटेना लेनी है, ये मार्टिन डेव वाले बनाने। इसको आपने सुबह दूध के साथ लेना है, इसको सुबह दूध के साथ लेंगे, और सर्विक जी को भी आपने रात को सोने से पहले दूध के साथ लेना है। इन दोनों टैबलेट्स को आपने 10 से 12 हफ्तों तक इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस टैबलेट के साथ साथ आपने व्हाइट मीट का इस्तेमाल करना है, यानी मछली, मुर्गी, अंडा वगैरह। दोस्तों, ये एक बहुत ही मुफीद और कारामद नुस्खा है, जिस तरह मैंने आपको इसके बारे में शुरू में बताया। तो दोस्तों, ये आज की मेरी वीडियो थी। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप हमारे चैनल होम फिजिशियन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।